हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 5 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 5% से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 95.25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक ट्रिपल टॉप बॉटम बना 133 रुपीज पर। 133 रुपीज पर स्टॉक में एक ट्रिपल टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर काफी निवेशकों ने इस स्टॉक को बाय किया और वहां से स्टॉक में लगातार एक करेक्शन देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने 102 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट किया और यहां से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक ने 120 रुपीज के प्राइस को फिर से हाई बनाया। ऊपरी लेवल यानी शॉर्ट टर्म में 120 का हाई बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था और स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा था, पर जैसे ही स्टॉक ने अपने पुराने सपोर्ट लेवल 102 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन दिया है, अब इस स्टॉक में और बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब स्टॉक का जो नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है वो अराउंड 82 रुपीज पर है। जो निवेशक इस स्टॉक में काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 82 रुपीज के प्राइस स्टॉक ने काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया था और यहीं से स्टॉक के अंदर एक बड़ा अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आया था। तो अब स्टॉक का जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल वो 82 रुपीज का है, यहां से अभी वो काफी नीचे आएगा, सॉरी यहां से अभी स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और लॉस का देखें तो काफी नीचे अभी वो प्राइस है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो 91 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट है 110 रुपीज के लिए। अगर स्टॉक 91 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का दूसरा और बड़ा अहम सपोर्ट लेवल 82 रुपीज पर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।